हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज्योतिष योग के अंदर उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों को जो भ्रांतियाँ हैं, कन्फ्यूज़न है, डर है, उसी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो मूल नक्षत्र में पैदा होता है, उसको कहा जाता है ये बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। कुछ जगह उसको मूला भी कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको गणमूल भी कहते हैं। तो उसके प्रति एक लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि जो बच्चा गणमूल में पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो बच्चा अनलक्की होता है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, माता पिता, भाई बहन, और कहीं ना कहीं उसका असर अशुभ होता है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि क्या सचमुच में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा अशुभ होता है, क्या गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे अन्य लोगों के अपेक्षा ज्यादा उनको जीवन के अंदर संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे क्या ऐसे लोग जीवन के अंदर असफल होते हैं, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि मूल नक्षत्र, जो गंडमूल नक्षत्र होता है, वो क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुल 27 नक्षत्र का वर्णन होता है। इसमें से कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं और कुछ नक्षत्र अशुभ होते हैं। गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं वो अशुभ नक्षत्रों में गिने जाते हैं। इन अशुभ नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको इस बताऊंगा। मूल नक्षत्र में कुल 6 नक्षत्र आते हैं। नंबर 1 अश्वनी, नंबर 2 अश्लेषा, नंबर 3 मघा, नंबर 4 ज्येष्ठा, नंबर 5 मूल और नंबर 6 रेवती। दोस्तों, यदि किसी बच्चे का जन्म इन नक्षत्र में होता है तो वह मूला या गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा कहलाता है। अब जब आप के दिमाग में जब आप सुनते हैं कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ तो एकदम भय पैदा हो जाता है, लेकिन यह बात कितनी सत्य है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है, वो मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, न केवल वो अपने लिए बल्कि परिवार के लिए भी एक प्रकार से काफी संकट पैदा कर देते हैं, यानी कि वो परेशानी का कारण बनते हैं। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इन नक्षत्रों के शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा यदि गंडमूल में पैदा हो गया है तो वो हमेशा हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए अशुभ ही रहने वाला है। ये कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज होगी उसका अशुभ और शुभ दोनों परिणाम मिलेगा। जिसके अंदर शुभता ज्यादा होती है वो शुभ कहलाती है, जिसके अंदर अशुभता ज्यादा होती है वो अशुभ कहलाती है। गंडमूल में बच्चे जो पैदा होते हैं, ऐसे लोग जीवन के अंदर काफी परेशानियों में जूझते रहते हैं। मानसिक रूप से ऐसे लोग अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अंदर माता पिता, भाई बहन और
अन्य रिश्तेदारों के लिए भी खतरनाक और मैं कहूंगा अशुभ माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शुभ यदि फल प्राप्त गंडमूल नक्षत्र में मिलता है तो उससे ऐसे लोग अपने मित्रों से, अपने परिवार के अंदर काफी सम्मान प्राप्त करते हैं और उन्हें लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे लोग जब गंडमूल नक्षत्र का व्यक्ति के जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट आदि पर वो काफी ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसे लोग मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं, स्टेबिलिटी उनके अंदर काफी कम होती है। लेकिन इनको जीवन के अंदर काफी मान सम्मान प्राप्त होता है। अब इनका जो प्रभाव होता है इन नक्षत्रों का, कुल चार चरण होते हैं। एक नक्षत्र के अंदर चार चरण होते हैं और जो प्रत्येक चरण का जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर एक राशि का नक्षत्र और उसका चरण लिखा जाता है। तो यदि कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में भी पैदा हुआ है तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि वो किस चरण में पैदा हुआ, यानी कि उसका जो नंबर है वो कौन सा है। प्रत्येक चरण के अनुसार व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का विचार किया जाता है, यानी कि उसको प्रत्येक चरण फैमिली के अंदर या रिश्तेदारों के अंदर रिप्रेजेंट करता है। गंडमूल दोष भिन्न भिन्न कुंडलियों पर, यानी कि वो व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते कि यदि कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र के, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं कि दूसरे चरण में पैदा हुआ, अश्विनी के दूसरे चरण में पैदा हुआ, तो उसका असर सभी बच्चों के ऊपर, सभी व्यक्तियों के ऊपर एक ही जैसा रहने वाला है। सबका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इसका प्रभाव कुंडली में इन छह नक्षत्रों में किसी अन्य चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा किस भाव में है, वह उच्च का है या नीच का है, वह जन्म कुंडली के अंदर शुभ अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है क्या, क्या उसके दूसरे भाव में या द्वादश भाव में, ट्वेल्थ हाउस में शुभ या अशुभ ग्रह बैठे हैं, यह भी हमको विचार करना चाहिए। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है, जन्म कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अपने उच्च राशि में बैठा है और शुभ प्रभाव डाल रहा है, तो गंडमूल नक्षत्र का जो प्रभाव होगा वो काफी शुभ होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि यदि कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, छह नक्षत्र होते हैं। यदि बच्चा इन नक्षत्रों में पैदा होगा तब वह मूला या गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा कहलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई बच्चा अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है तो इन लोगों का, इन बच्चों का जो व्यवहार होता है वो राजाओं जैसा होता है। ऐसे लोग रॉयल लाइफ को जीने के आदी हो जाते हैं। लेकिन इनके फादर को काफी कष्ट होता है। ये अपने माता पिता का जो भी पैसा होता है या उनका प्रभाव होता है उसका काफी लाभ उठाते हैं और ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और जीवन को अपने अंदाज में जीते हैं। इसलिए ये लोग माँ बाप की बात नहीं मानते तो पिता को कष्ट होता है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा
काफी समृद्धशील होता है, काफी ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करता है। हाँ, उसको काफी कष्ट भी भोगने पड़ते हैं तभी उसको यह सफलता मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरा नक्षत्र जो कि गणमूल का होता है, वो होता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक वो अननेसेसरली खर्चा करता है, फालतू की चीजों में खर्चा करता है। ऐसे व्यक्ति बेकार की चीजें इकट्ठा करना, फिजूल की चीजों को घर में लाना जिसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, इसके कोई यूज नहीं होता, इन्हें शौक होता है, इसी वजह से इन्हें माता पिता से काफी कष्ट मिलता है, क्योंकि इनकी इन्हीं आदतों से इनके जो माता पिता हैं इनसे दूरी बना लेते हैं और इनके ऊपर कई प्रकार की पाबंदियां लगा देते हैं। उस वजह से ये लोग काफी कष्ट भोगते हैं और इनका भाई बहनों से भी अच्छा संबंध नहीं रहता। अब हम बात करेंगे गणमूल नक्षत्र में तीसरे नक्षत्र के बारे में जो कि मघा है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक इनको अपने माता पिता के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। इनके माता पिता कई बार बचपन में ही इनसे दूर हो जाते हैं जिसके कारण ये काफी परेशान रहते हैं। यदि शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो मघा नक्षत्र के लोग काफी धन कमाते हैं और ये लोग काफी समृद्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक इनके अपने भाई बहनों से संबंध बहुत खराब रहते हैं। ये खुद भी नाखुश रहते हैं और जहां भी ये लोग जाते हैं वहां पर ये एक प्रकार से परेशानियां डेवलप कर देते, क्रिएट कर देते, टेंशन क्रिएट कर देते हैं लोग। ये लोग स्वभाव से ही असंतुष्ट होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर लोग इनसे बचते हैं, इनको अवॉइड करते हैं। अब हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को इनको पेरेंटल प्रॉपर्टी या फिर जो ये प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इनके माता पिता भी काफी कष्ट में रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये काफी खर्चीले भी होते हैं और फिजूल खर्ची इनका स्वभाव बन जाता है जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब रहती है। अब हम बात करते हैं गणमूल नक्षत्र के छठे नक्षत्र के बारे में जो कि रेवती है। ये लोग काफी संतुष्ट स्वभाव के होते हैं, आलसी स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोग परिश्रम करने से बचते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स से मिल जाती है और इसी कारण ये लोग काफी आलसी हो जाते हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे इनको काफी अपयश मिलता है और वहां पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, यहां मैंने बताया गणमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों का स्वभाव क्या होता है, उनका व्यवहार क्या होता है और प्रत्येक नक्षत्र में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
यदि कोई व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसका उपाय क्या है? दोस्तों, जो एक सरल उपाय मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे बच्चों को भगवान श्री गणेश जी की आराधना काफी शुभ होती है और यदि आप नियमित रूप से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपके ऊपर गणमूल नक्षत्र का जो दुष्प्रभाव है वो काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं, ये भी काफी लाभ देगा। सूर्य भगवान की आराधना यदि आप रोजाना करें तो भी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, यहां मैंने आपको उपाय बताए, यदि आप चाहते हैं कि आप की जन्म कुंडली के अंदर या फिर आपके परिवार के अंदर कोई बच्चा गणमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो मेरे बताए गए उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एडवाइस करता हूं, उनको सलाह देता हूं। यदि आपके जीवन के अंदर भी कोई परेशानी है, कोई शंका है, कंफ्यूजन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप की लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन आप चाहते हैं वो और बेहतर हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल लिखकर हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। दोस्तों, दुनिया भर से हजारों हजारों कॉल हमें आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, जब आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी करते हैं या व्हाट्सएप पर आप अपना प्रश्न भेजते हैं तो उसमें समय लगता है, कई बार 10-10 दिन, 15 दिन भी आपको लग सकते हैं, तो आपको धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हजारों लोगों को आप बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि हमारी पूरी टीम उस पर लगी रहती है हमेशा, फिर भी समय लगता है। यदि आप जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। हरे कृष्णा।